नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। लद्दाख सीमा पर भारत का दबदबा, दक्षिणी पेंगोंग के विवादित क्षेत्र में सेना का कब्जा, चीन ने वहां से कैमरे हटाए, चीनी विदेश मंत्री बोले दोनों देशों के बीच सीमा तय नहीं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन, दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुशांत की मौत का मामला, अभिनेता के परिवार के खिलाफ एक्शन लेगी रिया, वकील ने कहा वे सुशांत के डिप्रेशन के बारे में जानते थे फिर भी कोर्ट और ईडी से झूठ बोले। सीएम खट्टर के कोरोना रिपोर्ट फिर आई पॉजिटिव, मेदांता में चल रहा इलाज। कोरोना अपडेट, रेल मंत्रालय ने कहा ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए राज्य सरकारों से सलाह ले रहे हैं, देश में अब तक 36.94 लाख मामले। पहली बार श्रीनगर सीआरपीएफ की कमान महिला को, आईजी चारुसेना ने को सौंपी गई जिम्मेदारी, यहां आतंकियों के खिलाफ सभी ऑपरेशन की अगुवाई करेंगी। ब्लैक टॉप पर कब्जे के साथ ही सेना ने उखाड़ दिए चीनी कैमरे और सर्विलांस सिस्टम। जीएसटी के मुद्दे पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने केंद्र को लिखा पत्र। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयोग के रूप में संभाला पदभार। क्रिकेटर सुरेश रैना के फुफेरे भाई ने भी तोड़ा दम, ट्वीट कर सीएम कैप्टन ने लगाई इंसाफ की गुहार। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स, और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।